की बोतल में गंगा जल लेकर पहुंचे दो युवक। अखिल भारत हिंदू महासभा का दोनों युवकों ने अंदर चढ़ाया है गंगा जल। अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता गोपाल शर्मा के साथ। जी गोपाल, क्या है पूरी जानकारी, आखिर कैसे ये गंगा जल चढ़ा पाए हैं दो युवक? देखिए आपको बता दूं कि सुबह करीबन 7:30 करीब 8 बजे की ये बात है और लगातार इसको देखकर जिस तरह से बातें चल रही थी, लगातार एक तीन युवक कह सकते हैं कि मथुरा के तीनों युवक बताए जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष जो छाया गौतम है जो हिंदू महासभा की उनके साथ ये लोग आए हुए थे और इन्होंने वहां अंदर जो एंट्री करी है, फिर इसके बाद कुछ वीडियोज बनाई और उसके बाद वीडियो जो है ना जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, उसके बाद ये जो लगातार जो खबर यानी फैलती गई और उसके बाद यानी ये संज्ञान में आया। हालांकि जैसे ही जो गंगा जल चढ़ाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सीआई साहब और एएसआई के कर्मचारियों सक्रिय हुए और तत्काल वहां प्रभाव से जो दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी गोपाल, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक बोतल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका नहीं गया, चेकिंग नहीं की गई? देखिए यदि थी आपको बता दूं कि जिस तरह से बोतल में एक गंगा जल ले जाना ये कोई नॉर्मल बात है, क्योंकि पानी की बोतल है नहीं आ जाती है और जब सीआईएसएफ वहाँ चेकिंग करती है तो वहाँ इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती, क्योंकि पानी की बोतल है वो अलाउड है और अंदर जाने का, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि ये गंगा जल है कि पानी पीने का पानी है, तो इस तरह की जो वो। लेकिन गोपाल, सुरक्षा कर्मी तो ताजमहल पर हर जगह मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद ऐसा होना और वीडियो बना लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है, क्योंकि जो मेन मस्जिद है वहां पर जिस तरह की जो देखी जा रही थी गतिविधियां देखी जा रही थी, वहां पर एएसआई कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के साथ सुरक्षा के जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद रहते हैं, तो इस तरह की जो वीडियो जो वायरल हो रहा है एक बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि पूरी टोटल यानी अगर तीन वीडियो जो वायरल हुए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि वीडियो बनाते हुए वो बोल भी रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहां से ले जाते हुए फिर उसके बाद यानी वहां मेन जो कह सकते हैं कि मेन मकबरे में जाकर उन्होंने जो गंगा जल का वो जलाभिषेक किया है, तो उसके बाद ये हरकत में आए हैं और जिसके बाद यानी वहां जो सीआईएसएफ के मौजूद जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत उनको अरेस्ट करके ताजगंज पुलिस को सपोर्ट कर दिया है। ये गोपाल, इस समय ये अति संवेदनशील है क्योंकि कुछ समय पहले भी आपने हमें खबर बताई थी कि एक महिला जो है वो भी आई थी गंगा जल लेकर के, पुलिस द्वारा उन्हें भेज दिया गया था, उसके बाद अब ऐसा होना बहुत बड़ी चूक सामने आ रही है, क्योंकि ये साफ साफ पता लगता है कि ये जो वीडियो बनाई गई है इसे पब्लिक करना था, किसी उद्देश्य से आए हैं और कोई वजह है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए ये रीति सावन का सोमवार चल रहा है, कई हिंदूवादी संगठन इससे पहले एक जो महिला है जो यहाँ पर कावड़ लेकर पहुंच गई थी, पहले इस तरह की कई सारी गतिविधियां देखने को मिली हैं, तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो आए दिन देखने को मिलती हैं। हालांकि ये वीडियो वायरल नहीं होता, जो युवक अपने सोशल मीडिया पर नहीं डालते तो इस तरह की वो पता भी नहीं चलता कि इस तरह का जलाभिषेक किया गया है या कुछ ऐसा किया गया है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है कह सकते हैं कि लाखों की जो सुरक्षा में जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो एक तरह से वेस्टेज माने जाते हैं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां देखी जाती है कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक भी मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ जो मेन जो मस्जिद है वहाँ पर जिस तरह से मेन वहाँ वहाँ जहाँ पहुँच गए हैं और इस तरह से देखा जा रहा है कि इस तरह की गतिविधियां एक सुरक्षा कर्मियों में बड़ी चूक यानी देखी जा सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। आपको एक बार फिर बता दें, ताजमहल के अंदर हिंदूवादी युवकों ने गंगा जल चढ़ाया है, पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंचे थे दो युवक। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा का दावा है कि दोनों ने अंदर जाकर गंगा जल चढ़ाया है। दावा, तेजो महाल्य शिव मंदिर पर गंगा जल ये चढ़ाया गया है। वहीं गंगा जल चढ़ाते हुए युवकों ने अपना वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल सीआईएसएफ ने युवकों को पकड़ लिया है।